हमने स्मार्ट गोल बना दिया मित्रों। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी का जिन्होंने स्मार्ट गोल बनाया और जिसने विज़न बोर्ड बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सफलता की पहली सीढ़ी हासिल कर ली है। देखिए क्या होता है, कई बार हम ट्रेन में बैठते हैं, हम ऑटो में बैठते हैं, हम लोगों को पूछते हैं कि मुझे जाना है, तो लोग पूछते हैं कहाँ जाना है। लोग बैठे हैं रास्ता बताने के लिए साहब, पूरा का पूरा चौक, पूरे के पूरे राहें बैठी है, पूरे दुकान वाले बैठे हैं आपको रास्ता बताने के लिए, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। वो पूछ रहे हैं आपको कहाँ पर जाना है साहब, रिक्शा वाला पूछ रहा है कहाँ जाना है, बस कंडक्टर पूछ रहा है कहाँ पर जाना है, टीसी पूछ रहा है कहाँ पर जाना है, हर इंसान आपको पूछ रहा है कहाँ पर जाना है, सिर्फ आपको नहीं पता है कहाँ पर जाना है। देखिए साहब, कहीं पर निकलिए, एक गोल बनाइए, छोटा सा गोल बनाइए। पहले क्या करना है सृष्टि, छोटा सा गोल बनाना है, छोटा सा गोल बनाइए, रोज़ छोटा छोटा गोल बनाइए और ज़िंदगी का एक बड़ा गोल को हासिल कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है कि चलो अभी गोल तो सेट हो गया साहब, विज़न बोर्ड तो बन गया है, अब नेक्स्ट क्या करें। तो नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला जड़ी बूटी, वो है बिलीव सिस्टम। क्या है बिलीव सिस्टम? आपका विश्वास क्या है साहब, जो आपने गोल बनाया वो विश्वास लायक है क्या नहीं है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज के दूसरे सेशन में, सक्सेस माइंडसेट का आज का दूसरा सेशन है और जहां पर हम लोग बात करने वाले बिलीव सिस्टम के बारे में। आपका बिलीव सिस्टम क्या है, आपका विश्वास का सिस्टम क्या है साहब, आप कौन से विश्वास के साथ मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कौन से विश्वास के साथ आप बैठे हुए और क्या चाहते हैं, तो विश्वास कहाँ से लेकर आए, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लेकर आए, ये फेथ कहाँ पर लेकर आए, ये जो हमारे अंदर कि भाई मैं अपने सफलता को हासिल करूँगा या नहीं करूँगा, ये कहाँ से पता चलेगा? तो ये पता चलेगा आपके विश्वास से। और याद रखिए, युद्ध जो होते हैं ये हथियारों से नहीं लड़े जाते हैं, युद्ध जो है ये जीते जाते हैं विश्वास के बदौलत। राजा जो होता है, सिंह जो होता है, ये जंगल का राजा होता है, सिंह जंगल का राजा होता है साहब, तो किसने बताया उसको? वो तो किसी स्कूल में नहीं गया था सृष्टि। शेर को स्कूल में जाता है क्या? उसको बताया जाता है तुम शेर हो, शेर हो, तुम जंगल के राजा हो, तुम जंगल के राजा हो साहब, ये अंदर से ही आता है, उसको पता है भले ही हाथी मोटा है लेकिन मेरे सामने वो बौना है। भले ही शेर उड़ नहीं सकता है, शेर उड़ सकता है क्या? फिर भी जंगल का राजा है। शेर जिराफ के जैसा लंबा नहीं है साहब, जिराफ जैसा लंबा है क्या? नहीं। लेकिन शेर फिर भी राजा है। शेर पानी में तैर सकता है क्या? नहीं। फिर भी जंगल का राजा है। शेर उड़ नहीं सकता, शेर तैर नहीं सकता, शेर हाथी जैसा बलशाली नहीं है, बलशाली नहीं है, ना ही वो गेंडे जैसा उसकी चमड़ी मोटी है, लेकिन फिर भी शेर जंगल का राजा है। क्यों पता है आपको ऐसा? क्यों धवल? क्योंकि उसके अंदर विश्वास है। आपके अंदर विश्वास है क्या? आपने स्मार्ट गोल तो बना लिया, 5 साल में 5 करोड़ रुपया कमाना है साहब, लेकिन विश्वास करने, जब तक विश्वास नहीं होगा ना, जब तक ये पैटर्न का हिस्सा नहीं बनेगा ना, मगज का हिस्सा नहीं बनेगा ना सृष्टि, मगज का हिस्सा नहीं बनेगा ना, तब तक आप हासिल नहीं कर पाओगे। आपको मगज का हिस्सा बनाना पड़ेगा, जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आपको गोल बना के लिखना पड़ेगा, आईने पे लिखना पड़ेगा, कांच पर लिखना पड़ेगा, बाथरूम के दरवाजे पर लगाना पड़ेगा, आप 5 साल में क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको मोबाइल के अंदर आपका, आपको याद दिलाने के लिए मेंटर की जरूरत पड़ेगी, मेंटरशिप लेनी पड़ेगी आपको कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है साहब। अपने विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा और रोज़, ये विश्वास एक दिन में जन्म घुट्टी नहीं है कि एक दिन पी लेंगे और फटाक से हाई हो जाएगा साहब। रोज़ थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन रोज़ थोड़ा, लेकिन थोड़ा, लेकिन डबल थोड़ा, लेकिन रोज थोड़ा, लेकिन रोज थोड़ा, लेकिन डेली 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 डेली, जैसे ABCD होता है ना, बच्चे को ABCD सिखाया जाता है। एक दिन में सीख जाता है क्या बच्चा ABCD? नहीं साहब, लेकिन एक दिन करते करते, एक दिन में तो नहीं सीखता लेकिन एक दिन सीख जाता है। एक दिन में नहीं सीखता है धवल, एक दिन में नहीं सीखता लेकिन एक दिन सीख जाता है। थोड़ा लेकिन रोज, विश्वास भी ऐसे ही बढ़ता है साहब। थोड़ा लेकिन रोज, थोड़ा लेकिन रोज, थोड़ा लेकिन रोज, थोड़ा लेकिन रोज करते करते क्या हो जाता है? जिनको शुगर होती है ना साहब, शुगर की बीमारी जिनको होती है ना निशा, वो एक दिन में नहीं होता, एक दिन चम्मच से शुगर खाई हो जाता नहीं। थोड़ा लेकिन रोज, थोड़ा लेकिन रोज, थोड़ा लेकिन रोज, थोड़ा खड़ा करते करते पूरे शरीर में शक्कर भर जाता है, फिर ऊपर से आवाज आता है, बस अब इसके ऊपर शक्कर नहीं खा सकते, अब गुलाब जामुन नहीं खा सकते, अब जलेबी नहीं खा सकते, अब मीठा नहीं खा सकते साहब। क्यों? अब मीठा खाएंगे तो क्या होगा? डायबिटीज़ हो जाएगा।
ये बात थी निगेटिव की, अब पॉजिटिव की बात करते हैं। कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लेकिन रोज, स्विमिंग पूल भी थोड़ा लेकिन रोज, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाना है थोड़ा लेकिन रोज, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है साहब थोड़ा लेकिन रोज, थोड़ा लेकिन रोज, थोड़ा लेकिन रोज प्रैक्टिस करना है साहब, थोड़ा लेकिन रोज प्रैक्टिस करना है। 5 साल तक प्रैक्टिस किए तब जाके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, थोड़ा लेकिन रोज। विश्वास ऐसे ही बढ़ता है, बिलीफ सिस्टम ऐसे ही बढ़ता है साहब। जब कोई जाता है ना स्टेज पर बात करने के लिए, पहली बार वो डरता है। महात्मा गांधी भी डर गए थे, पता आपको? महात्मा गांधी जब पहली बार गए थे कोर्ट में केस लड़ने के लिए, तो पहले वो गए भाषण दिए और भागते भागते रोते रोते आ गए, कंबल लपेट के सो गए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया क्या बात करने का था। क्लाइंट ने बोला भाई मेरा केस लड़ो, लेकिन लड़ नहीं पाए। महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ, मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी भाग के आ गए साहब। फिर बाद में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया, थोड़ा लेकिन रोज, थोड़ा लेकिन रोज, थोड़ा लेकिन रोज। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। सक्सेस माइंडसेट के सीरीज़ के अंदर मित्रों मैं बताना चाहता हूँ, विश्वास कब बढ़ता है? जब आप रोज़ काम करते हैं। जो धनुर्धर होता है ना, जो निशान लगाता है ना, वो थोड़ा लेकिन रोज करता है, रोज करता है साहब। एक अच्छा म्यूजिशियन होता है, एक होता है आंखें बंद करके लोग पियानो बजाते हैं। एक पर्सन को मैं जानता हूँ, वो सर से सृष्टि, वो सर से पियानो बजाता है, सर से कोई बजा सकता है पियानो? लेकिन वो बजाता है। एक पर्सन को मैं जानता हूँ, रूबिक क्यूब सॉल्व करता है, पानी के अंदर रूबिक क्यूब सॉल्व करता है, उल्टा होकर रूबिक क्यूब सॉल्व करता है, शीर्षासन में रूबिक क्यूब सॉल्व करता है, पैरों से रूबिक क्यूब सॉल्व करता है। मैंने एक वीडियो देखा था, सचिन तेंदुलकर के साहब के पास एक जन जाते हैं और वो ऐसे 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 वो रूबिक क्यूब सॉल्व करता है बिना देखे। थोड़ा लेकिन रोज साहब, थोड़ा लेकिन रोज, तभी विश्वास आपके अंदर आएगा। विश्वास जगाइए साहब, विश्वास बढ़ाइए साहब। झूठा विश्वास नहीं, आत्मविश्वास। यहाँ पे झूठे विश्वास की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आत्मविश्वास की बात हो रही है कि नहीं साहब मैं कर सकता हूँ, भले आज मुझे नॉलेज नहीं है लेकिन मैं रोज़ प्रैक्टिस करूँगा तो सीख सकता हूँ। आज मुझे मराठी भाषा नहीं आती लेकिन मैं रोज़ प्रैक्टिस करूँगा तर मी पण मराठी बोलायला सुरुवात करणार। मेरे को गुजराती नहीं आती है लेकिन मैं भी रोज़ बात करूँगा तो सारो छे मजामा छे, मैं भी थोड़ा थोड़ा गुजराती में बात करने लगूँगा। मुझे बंगाली नहीं आती है लेकिन मैं तो थोड़ा लेकिन रोज करूँगा तो नहीं चाल वो, मैं भी बंगाली भाषा में बात करने लगूँगा। आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है साहब, थोड़ा लेकिन रोज प्रैक्टिस कीजिएगा एंड वन डे यू विल स्टार्ट टू स्पीक फ्लुएंसी इंग्लिश। आप फ्लुएंसी में बात करने लगोगे कब? थोड़ा लेकिन रोज, थोड़ा लेकिन रोज। क्या करना है सृष्टि? सृष्टि क्या करना है? थोड़ा लेकिन रोज। विश्वास तभी बढ़ेगा आपके अंदर और यही विश्वास, यही बिलीफ सिस्टम जो है आपको आगे रखेगा सफलता की कुंजी में। सफलता का महाज्ञान आपको दे रहा हूँ, महाशब्द आपको दे रहा हूँ। अगर आपको सक्सेस माइंडसेट से विजयी होना है, पूरे वर्ल्ड विश्व विजेता बनना है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो भी रिकॉर्ड आप पाना चाहते हैं, जो भी सोचते उसे हासिल करना चाहते हैं, आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए और वो है क्या? क्या है बेटा? वो है विश्वास। क्या है? विश्वास। आपके अंदर ना विश्वास होना चाहिए और जब आपके अंदर विश्वास होगा ना, आप उसे हासिल कर लोगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आपने गोल सेट कर लिया है, अब गोल के बाद आता है विश्वास। विश्वास कीजिए आप ये हासिल कर लोगे। आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है, मेंटर के पास जाना है, रोज़ बोलना है, रोज़ सीखना है, रोज़ कुछ ना कुछ करना है उससे रिलेटेड, वो जो गोल से रिलेटेड, जो आपने गोल बनाया 5 करोड़ का गोल बनाया हुआ है आपने, जो गोल बनाया मुझे टॉपर बनना है, आपने जो गोल बनाया मुझे सबसे बड़ा सेल्स सुपरस्टार बनना है, आपने जो गोल बनाया मुझे ये करना है, आपने जो गोल किया है कि मुझे ये हासिल करना है जीवन में, मुझे ऐसे घर में रहना है, अपने घर खरीदना है, साहब आप कुछ भी कर सकते हैं। और आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ क्या करना है सृष्टि? आपको क्या करना है पीयू? आपको सिर्फ विश्वास बढ़ाना है, विश्वास जगाना है। और याद रखिए, विश्वास पहले से ही आपके अंदर है। सबसे खुशखबरी की बात दे रहा हूं पीयू, आपको मैं खुशखबरी बता रहा हूं, हैप्पी न्यूज दे रहा हूं, गुड न्यूज दे रहा हूं। विश्वास पहले से आपके पास है, विश्वास है आपके पास। आप जब जाएंगे ना डॉक्टर के पास और जब एक्सरे निकालेंगे तो बोलेगा इसमें तो विश्वास है। आपके पास विश्वास पहले से ही है साहब, पहले से विश्वास से भरे पड़े हैं आप, तो फिर कहाँ पर अटके हैं हम लोग ने उसको जगाया नहीं है, हमने उसको जागृत नहीं किया है। वो कुंडली जागृत बोलते ना, वो जागृत नहीं हुई है। तो पीयू क्या करना है आज से? विश्वास बढ़ाना है।
अपने अंदर विश्वास, आपके चलने में विश्वास होना चाहिए, बात करने में विश्वास होना चाहिए। 5 करोड़ के आदमी लगने चाहिए साहब, बंगले के मालिक लगने चाहिए, भले ही आप 40 में रह रहे हैं लेकिन बंगले के मालिक लगने चाहिए। भले ही आप बैक बेंचर होंगे, भले ही आप पीछे बैठते हैं लेकिन आपके अंदर ये टॉपर माइंडसेट होना चाहिए। आप सबसे टॉप के विद्यार्थी बनना चाहिए, आपके अंदर टॉपर माइंडसेट का ये जो है ना दिमाग में वो बात आना चाहिए। तो मित्रों ये थी विश्वास की बातें और विश्वास जगाइए। तो आज हम क्या कर सकते हैं विश्वास जगाने के लिए, सबसे पहले चलते समय आज आपको पूरी तरह से स्ट्रेट चलना है, पूरा बॉडी को इरेक्ट करते हुए चलना है, एकदम पूरा सिंह के जैसा चलना है। कैसे चलना है, कैसे चलना है, खड़े होकर दिखाओ बेटा, हाँ ऐसे सीधे खड़े हो जाओ, हाँ सीधे खड़े होकर और सीधे एकदम जोश के साथ चलना, चलो ऐसे, हाँ एकदम पुलिस लोग आर्मी मैन कैसे चलते हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। दूसरे नंबर पर प्लानिंग कीजिएगा, आज थोड़ा क्या कर सकते हैं, थोड़ा लेकिन रोज। आपको संगीतकार गीतकार बनना है, सिंगर बनना है ना, थोड़ा लेकिन रोज, रोज गाना गाना है। हर सांस आँखों पे तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। इस तरह से रोज एक गाना गा रहा है, रोज रोज दो लाइन गाना गा रहा है और फिर देखिए धीरे 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 आप आपकी आवाज़ पॉलिश होने लगेगी, आप अच्छा गाना गाने लगेंगे, आप अपने शहर के सबसे प्रमुख सिंगर बन जाएंगे। लेकिन कब, जब आप करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप विश्वास करेंगे। और विश्वास बढ़ाने के लिए थोड़ा लेकिन रोज, थोड़ा लेकिन रोज ये मंत्र कीजिएगा। तो आज आपको क्या करना है, एकदम सीधा स्ट्रेट चलना है। दूसरा, अपने गोल को रोज पढ़ना है। तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर भी मौका मिलता है बोलना शुरू कर दीजिएगा। अपने लक्ष्य के बारे में बताइए लोगों को, धवल मेरा लक्ष्य यह है, सृष्टि मेरा लक्ष्य ये है, मैं टॉपर बनना चाहती हूँ, 5 साल में मैं घर लेना चाहती हूँ, मैं ये काम करना चाहती हूँ। और इंसान वो हर काम कर सकता है वो जो सोच सकता है, और वो हर चीज़ सोच सकता है जो वो कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। तो ये सारी चीज़ें कीजिएगा, जाते जाते ये बोलूँगा, आज प्रैक्टिस में क्या करना है, आपको सीधे चलना है, बुक का रीडिंग करना है और रोज़ थोड़ा प्रैक्टिस करना है। धन्यवाद।